कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ मछली, हर घर में बनती है और चले तो फिर बनाते हैं मेरे स्टाइल से। तो इसके लिए मैंने ले ली, ये 2 किलो मछली थी और इसको अच्छे से धोया, जो कि मैंने नहीं धोया, मेरे हस्बैंड ने धोया। मैं नहीं धोती हूँ, मुझे अच्छे से सफाई से धोना नहीं आता, तो इसलिए ये मछली मैं अपने हस्बैंड से ही धुलवाती हूँ। फिर उसको मैं किसी बास्केट में डालकर इसका पानी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि मसाला जो इसके ऊपर अच्छे से रच जाए। पानी पानी होगा तो वो मसाला भी फिर आपको पता पतला सा हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने बड़े बर्तन में, जो खुला बर्तन, उसमें सारी मछली डाली। डालने के बाद फिर मैंने इसके शायन का मसाला लिया है, रेगुलर जो मछली मसाला आता है, इसमें एक लाहौरी मसाला भी आता है, बहुत मज़े का वो भी होता है, तो उस वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मसाला इसके अंदर डाला है, सारा एक पैकेट था तो वो काफ़ी हो जाता है 2 किलो मछली के लिए। तो इसके साथ ही फिर मैंने निचोड़ लिए 2 नींबू, 2 काफ़ी हो जाएंगे, इतनी ही खटास चाहिए होती, ज़्यादा नहीं। तो फिर इसके अंदर मैंने 2 नींबू निचोड़ लिए और आप ये दाने जो मैंने डाले, क्योंकि ये सब तैयारी मैं खुद नहीं कर रही थी, तो मेरे जो हस्बैंड ने, उन्होंने उसके अंदर बीज भी डाल दिए, खैर वो मैंने अलग से निकाल लिए थे। और फिर इसके साथ ही मैंने लहसुन, क्योंकि मैं फ्रेश ही लाती हूँ, मैं पीस के नहीं रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है उस टाइम मैं छीलती हूँ, छील के मैं कूट लेती हूँ या पेस्ट बना लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है उसमें, और फिर इसको इसके साथ मैंने लगा दिया मसाले मछली में। लहसुन, अदरक नहीं जाएगा मछली में, सिर्फ लहसुन जाता है। तो ये सब मैंने मिक्स करने के बाद अच्छे से इसके जो कट होते हैं, कट के अंदर भी अच्छे से भर भर के लगाया है, ताकि जो कट के अंदर मसाला है वो रह जाए। तो इसको लगाने के बाद मैं इसको 1 से 2 घंटों के लिए छोड़ सकती हूँ। आप ज़्यादा देर भी छोड़ दीजिएगा, जितनी ज़्यादा रहेगा देर मसाले में ये मसाला लगा रहेगा, उतना ही अच्छा ये टेस्ट आएगा। तो इसको मैंने फिर 1 से 2 घंटों के लिए छोड़ दिया, ज़्यादा नहीं छोड़ा। कुछ लोग रात को लगाते तो सुबह फ्राई कर लेते, जैसे दोपहर को खाने के लिए चाहिए होता तब कर लेते। खैर मैंने ऐसे बना लिया, रात का ही बनाया था, ये मेरा डिनर था, तो शाम को मैंने ये सारा जो मसाला वगैरह लगा के फ्रिज में रख दिया था। फिर मैं करूँगी इसको फ्राई, और फ्राई करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ऐसे ही जैसे ड्रैक ये मसाला लगा अब इसको फ्राई कर लें, लेकिन एक और तरीका ये है कि बेसन आप लें, बेसन के अंदर आप थोड़ी सी नमक मिर्च डालें, और साथ ही 1 से 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 से 2 चुटकी आपने डाल देने हैं बेकिंग सोडा। उससे ये होगा कि मसाला आपको उसके साथ वो फूल भी जाएगा, और इसमें बहुत अच्छा उसकी जो टेक्सचर बन जाता है वो बहुत अच्छा बनेगा, ज़्यादा लगेगा भी नहीं, नॉर्मल चाहिए, ज़्यादा हमें भर भर के नहीं लगाना। इसलिए मैंने इसको डीप नहीं किया, इसके ऊपर ही मसाला लगाया। तो मसाला लगाने के बाद, जो बेसन का मसाला था वो लगाने के बाद, देखिए मैंने फ्राई किया तो कितना अच्छा शानदार फ्राई हुआ, कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। तो इसी तरह सारे मैंने एक साथ करके मछली को सारे फ्राई कर दिए, और बहुत अच्छा मसाला बना था ये बेसन के साथ। इस और ये थी आज की मेरी रेसिपी, जो कि बहुत आसान, बहुत इजी थी और बहुत जल्दी बन जाने वाली थी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं थी। तो आप बनाइए, बहुत मज़ा आएगा पकाने में, बहुत आसानी से बन जाएगी थी जब बन जाएगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप मेरी सपोर्ट कीजिएगा। और फिर मिलेंगे, फिर देखिएगा मैं और कितनी अच्छी अच्छी रेसिपी लाती हूँ। तो चलिए, भी इजाज़त दीजिए प्लीज़, वही बात आ जाती है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच जी।